ये जो मंच है और जो मंच पे आसीन है वो वैसे भी पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ये शक्तियाँ आज एकजुट होकर बैठी हैं कि जो एक भ्रांति थी कि हम लोगों आखिरी शोर तक बैठे हैं, हमारे साथ हर तरह का भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, एक भय रहता है मन में, वो एक शक्तियों का प्रदर्शन है ये कि हम भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और इससे बड़ा मंच इस प्रदेश में नहीं मिल सकता जहाँ पर सब एकत्रित होकर ये सोच रहे हमने अपनी आवाज़ रखनी है। जहाँ आवाज़ रख दी आखिरी छोर तक चली गई, प्रदेश से पूरे भारत में जाएगी, इसी तरीके से इन शक्तियों का प्रदर्शन होता है। समाज के कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं जी, तो उन लोगों के लिए जब आप लोग अब इतने सक्षम हो चुके हैं तो उन लोगों के लिए क्या आप लोग करने जा रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा जो दिल की में एक भय रहता है स्वाभिमान, हमारा समाज बहुत स्वाभिमान है इसलिए काम करता है, उसी की दिहाड़ी ले रहा है, किसी और चीज़ की दिहाड़ी नहीं मांग रहा है, तो उन तक मूल सुविधाएं पहुंचे, वो इस भेदभाव से उठे, इसका पूरा पुरजोर कार्यक्रम उसमें लगे। एजुकेशन में कैसे उनको लेकर के आएंगे कि मूलधारा में वो आ सके? मूलधारा में आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे, स्कूल जाना तो पड़ेगा, विद्यालय में का तो दरवाज़ा देखना ही पड़ेगा। बाबा साहब ने भी विद्यालय का दरवाज़ा नहीं देखा होता तो आज तक इस देश को संविधान नहीं मिलता, तो विद्यालय का दरवाज़ा तो देखना पड़ेगा। अभी कोई बता रहा था, कहते बाबा साहब कहते थे जो एक अर्दली होता था वो किसी और के द्वारा उनको पानी पिलाता था, फिर भी मन उन्होंने इतना मजबूत रखा कि कहाँ विदेश तक पढ़ के आ गए और इस देश का संविधान रच दिया, इस देश को एक मार्गदर्शा दे दी, हम जैसों को एक आरक्षित होने का एक हौसला दे दिया, अपनी आवाज़ और सरकार में और सत्ता में बैठने के लिए एक कुर्सी का प्रदर्शन करने को दे दिया, और क्या चाहिए। इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप, राजनीतिक मंच या फिर एक एकजुटता का? सामाजिक मंच मेरे लिए तो एकजुटता का मंच है, मेरे लिए एक अपना घर का मंच है, अपने परिवार का मंच है, मेरे राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर यहाँ सब बैठे हैं। आज मुझे लगता है हम इतनी दूर दूर से आए हैं, हम कोई जयपुर के निवासी नहीं हैं, दूर दूर से निवासी आए हैं तो सिर्फ अपने लोगों से संबंधित होने के लिए आए हैं, कोई राजनीतिक पार्टी से कोई लेने नहीं आए।